हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। इस साल वट सावित्री का व्रत 10 जून को पड़ रहा है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व है। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। माना जाता है इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं बरगद के वृक्ष के चारों ओर घूमकर इस पर रक्षा सूत्र बांधती है, पति की लंबी आयु की कामना करती है। पूजन विधि। वट सावित्री के दिन साफ सफाई कर बांस की टोकरी में सप्तदान भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें। ब्रह्मा के वाम पक्ष में सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करें। इन टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दें। इसके बाद ब्रह्मा तथा सावित्री का पूजन करें। पूजा करते हुए बर की जड़ में पानी दें। पूजा में जल, मौली, रौली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फल तथा धूप का प्रयोग करें। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। बर के पत्तों के गहने बनाकर वट सावित्री की कथा सुने। भीगे हुए चनों को बयाना निकालकर नगद रखें और अपने पति की पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल बांस के पात्र में रखकर दान करें। इस व्रत में सत्यवान सावित्री की पुण्य कथा को सुनना न भूलें। यह कथा पूजा करते समय हुए दूसरों को भी सुनाएं। माना जाता है जो महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती है तो उसके पति के जीवन पर आया खतरा भी टल जाता है, पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। सावित्री व्रत कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक वह ऐसा करते रहे। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे। कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आधे कन्याएं अपने पति का 1 ही बार वरण करती है, राजा 1 ही बार आज्ञा देता है, पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, कन्यादान भी 1 ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी, बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को
पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए, साथ में सावित्री भी गई। जंगल पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर ही सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रहे। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया, कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रहे। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इस वरदान को भी दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवांत हो गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चीर काल तक राज्य सुख भोगते रहे। तो ये थी सावित्री व्रत कथा।